जी, करीब 10 साल बाद बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जी जी कितनी खुशी है विशेषकर लोक कलाकारों। सर मुझे प्रथम तो ये, मैं इस भूमि को बाड़मेर के वासियों को और थार के वासियों को और जियो राजस्थान जियो हिंदुस्तान, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं क्योंकि एक मैं पारंपरिक लोक कलाकार हूँ एक गांव का और जजमानी प्रथा के मैं कलाकार हूँ, तो मुझे बहुत खुशी बहुत गर्व है कि जो ये हमारे राजस्थान की संस्कृति और ये थार थार की जो संस्कृति है, थार का जो कल्चर है, वो हमें बहुत खुशी है गर्व है कि ऐसा कहीं भी नहीं है। और दूसरे में ये है कि हमेशा के लिए यहाँ भारत का एक हमारा देश ऐसा है और हिंदुस्तान का ऐसा है और एक राजस्थान का ऐसा है, उसमें हमेशा के लिए उत्सव ही होता है। तो हमें ये आज खुशी ये है कि आज 10 साल पहले हम पहले कितने साल पहले ये थार महोत्सव हमेशा हुआ करता था, तो यहाँ काफ़ी कलाकार और काफ़ी दर्शक और काफ़ी हमारे मेहमान आउट ऑफ कंट्रीज के यहाँ रहते और भारत के, वो सब आ करके अपने कल्चर को यहाँ देखते थे। फिर उसके बाद में कोई अपने कारण से कोई ये बंद हो गया, हुआ नहीं, कर नहीं पाए, तो लोगों की ये तमन्ना थी कि कभी हमारा बाड़मेर ये थार महोत्सव शुरू हो, तो ये हमारे लिए अच्छाइयों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रशासन का और सरकार का, जितने भी इसमें मददगार हैं, और ये मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और कलेक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि उन्होंने ये वापस अपनी मेहनत से अपने लगन से और ये हमारा वापस ये थार महोत्सव वापस शुरू कराया है, तो ये करना ही चाहिए, ये रुकना ही नहीं चाहिए, ताकि ये रुके तब हमारा कल्चर बिल्कुल कमज़ोरी आती है उसमें, ये तो हमेशा के लिए चलना चाहिए। जो रीति है एक साल में एक बार होता है, तो उसमें काफ़ी कलाकारों को मौका मिलता है और काफ़ी कलाकार आपस में मिलते हैं, अपनी वेशभूषा अपना कल्चर अपना संगीत वो देख रेख होते हैं। आज पूरे मुझे बहुत खुशी है कि आज ये भारत में पूरे भारत के यहाँ कलाकार आ रहे हैं, उसमें लोग कलाकार हैं, डिज़ाइनर है, जो अलग अलग स्टाइलें लगेगी और हमारे ये हैंडीक्राफ्ट की दुकानें लगेगी और इसमें बाल कलाकार बुजुर्ग कलाकार अपना इंस्ट्रूमेंट अपनी गायकी अपना अलग अलग जो विषय के जो कलाकार है वो अपना प्रकट करेंगे या नृत्य होगा, तो बहुत खुशी है, ताकि ये चलता रहेगा तो हमारा भारत का कल्चर का जो कल्चर है हमेशा के लिए चलता रहेगा और अखंड रहेगा। बहुत खुशी है मुझे बाड़मेर और जैसलमेर और जोधपुर राजस्थान के, मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक राजस्थान का अच्छा कलाकार, मुझे एक और भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे कलाकार खूब बाहर फॉरेन में जाते हैं और मैं भी जाता हूँ, उसकी मेहरबानी से उस मालिक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे गांव की बड़ी मेहरबानी है मेरे माता पिता की, मेरे अच्छे कलाकार उसकी बड़ी मेहरबानी। कहीं भी बाहर फॉरेन में जाता हूँ तब मुझे वो नज़र हिंदुस्तान ही आता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, हमारा जो कल्चर है ये ऐसा कहीं भी नहीं है, बहुत गर्व है। बहुत बहुत सबको, हमारे शहरवासियों को और थार वासियों को और राजस्थान वासियों को जितने आ रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, जितने आएंगे देखेंगे, बहुत गर्व है, बहुत खुशी से खुशी है। और प्रशासन और टूरिज्म डिपार्टमेंट और मीडिया और जितने भी इनके सहयोगी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और काफ़ी मेहनत से ये वापस हुआ है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।